Hello everyone, good afternoon my dear students. Let's continue the chapter human reproduction. In my last video, the student, I have completed almost all the parts which are associated with the male reproductive system. Clear? Now today the leftover part we will discuss. The leftover parts are the urethra and the penis. In my last video, I have explained you about the various parts associated with the male reproductive system. आप डायग्राम में आप देख सकते हो, clear student? तो ये सारे parts हम लोग already पढ़ चुके हैं अपने previous videos में. Now today I am going to explain you about the urethra and the muscular copulatory organ penis. Clear? तो let's discuss with about the urethra first. Clear student? तो यूरेथ्रा के बारे में यू हैव आइडिया इन क्लास 11th चैप्टर एक्सक्रेटरी सिस्टम. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द यूरेथ्रा. क्लियर? इट्स ए कॉमन पैसेज, आप देख सकते हो. क्लियर? यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज. क्लियर? दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स. क्लियर? इट कैरीज द यूरिन. क्लियर? एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन और सीमेन एजुकुलेशन के समय ये सीमेन को कैरी करता है. क्लियर? तो इट्स लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. क्लियर? एवरेज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड इट इज डिवाइडेड, दिस यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. क्लियर? पहला पार्ट यूरेथ्रा का आप देख सकते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है उससे कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. क्लियर? और एक छोटा सा पार्ट आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट, जो कहीं कवर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. क्लियर? And the part which is surrounded by the muscular penis, that is called as the penile urethra. Clear? तो student, urethra अपने चारों तरफ से muscular covering से ढका रहता है. Clear? That is the muscular penis. Clear? And it opens outside, this penile urethra opens outside through the opening called as the urethral meatus. इसको आप बोल सकते हो urethral meatus बोल सकते हो. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द यूरेथ्रा. दो फंक्शन होता है यूरेथ्रा का स्टूडेंट, यूरिनेशन के समय यूरिन को पास करना और इजेकुलेशन के समय यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन को डिस्चार्ज करना. क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पेनिस. क्लियर स्टूडेंट? पेनिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल्स. क्लियर? इट्स एन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, यू कैन से इट्स अ कॉपुलेटरी ऑर्गन. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जस्ट टू इंसेमिनेट द फीमेल. सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल को इंसेमिनेट करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेनिस. क्लियर स्टूडेंट? पेनिस की एवरेज जो साइज होती है, दैट इज अबाउट द एवरेज साइज इज अबाउट द 6 inches. क्लियर? इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द टिश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद द पेनिस. क्लियर स्टूडेंट? तो ह्यूमन पेनिस में आप देखोगे देर आर थ्री ब्लड साइनसेस और इरेक्टाइल टिश्यूज. तीन इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं. सेक्शन काटने पे अगर आप पेनिस का सेक्शन काटते हो तो यू विल गेट दिस डायग्राम. क्लियर? सो देर आर टू ब्लड साइनसेस, इंपॉर्टेंट ब्लड साइनसेस आर देयर. ठीक है? इरेक्टाइल टिश्यूज आर देयर, यू कैन से, है ना? दीज इरेक्टाइल टिश्यूज दे आर कॉल्ड एज द कॉर्पोरस कैवर्नोसम. ये दो होते हैं, इनको कॉर्पोरस कैवर्नोसम बोला जाता है. और एक जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. क्लियर? एंड दीज आर सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. क्लियर? ये डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स आप यहाँ पे देख सकते हो. क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट हमारा नर्वस सिस्टम भी वर्क करता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन पेनिस की तरफ ज्यादा हो जाता है. क्लियर? तो अब जब ब्लड सर्कुलेशन पेनिस की तरफ ज्यादा हो जाता है, इन ब्लड साइनसेस में जो यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज में जो ब्लड साइनसेस होते हैं वहां पे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो साइज ऑफ द पेनिस एनलार्जेस. क्लियर? इट इंक्रीजेस इन इट साइज, इट बिकम इरेक्ट, इट बिकम हार्ड एंड टफ. ये बहुत जरूरी होता है सो दैट इट कैन बी इंसर्टेड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल. क्लियर? अगर स्टूडेंट ये इरेक्ट नहीं होगा पेनिस, तो फीमेल को मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर सकता. क्लियर? कभी कभी एक बीमारी होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की,
उसमें होता क्या है, ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, क्लियर, इन टिश्यूज की तरफ, इरेक्टाइल टिश्यूज की तरफ, जिससे उनमें इरेक्शन नहीं हो पाता, क्लियर, वो हार्ड और टफ नहीं हो पाते, सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, क्लियर। सो ये दोनों जो टिश्यूज है आप देख रहे हो यहाँ पे, जो कार्पस कैवर्नोसम है और जो तीसरा है कार्पस स्पॉन्जियोसम, क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो होना बहुत जरूरी होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो जब तक सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहता है, पेनिस इरेक्ट रहता है, हार्ड रहता है, टफ रहता है, क्लियर, और इरेक्शन के बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो वापस हो जाता है और वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द पेनिस। और आप देखोगे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर पेनिस की चारों तरफ स्टूडेंट, आप देखोगे देर इज अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, एक फोल्डेबल स्किन होती है, दैट इज कॉल्ड एज द, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्यूज या फोर स्किन बोला जाता है, क्लियर। इस स्किन को जो बाहर आप येलो कलर की लाइनिंग देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोप्यूज, या इसका दूसरा नाम होता है फोर स्किन, क्लियर। ये फोल्डेबल होती है, ऊपर नीचे हो सकती है, एंड दिस टिप ऑफ द पेनिस इट इज वेरी सॉफ्ट, क्लियर, एंड इट इज कॉल्ड एज द ग्लांस पेनिस, क्लियर। यहां पे ये बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज का बना होता है, क्लियर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्लांस पेनिस, क्लियर। सो इन दिस वे स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। यू रिवाइज द वीडियो, यू रिवर्स द वीडियो, वॉच इट अगेन एंड अगेन, सी ऑल द वीडियोज वन टाइम टू टाइम्स, सो दैट योर ऑल डाउट्स कैन बी क्लियर, क्लियर। सीक्वेंस में मैंने सारे वीडियोज डाले हैं, आप एक एक करके आप सारे वीडियोज को देख लीजिएगा, यू विल गेट द आइडिया अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यू विल गेट द आइडिया, क्लियर स्टूडेंट। सो लेट मी कंक्लूड द लेक्चर हियर रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट एपिसोड में आई विल डिस्कस अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्लियर स्टूडेंट। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, क्लियर, हैव अ गुड डे।